प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें कमांड्स हम एसक्यूएल कमांड्स करेंगे, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी जिसमें सेलेक्ट कमांड यूज की थी, उसमें माई एसक्यूएल कमांड लाइन इसका इस एप्लीकेशन का यूज हमने किया था। और इन सभी कमांड्स को हम वर्क बेंच पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क बेंच भी एक अच्छा इंटरफेस है, एक बढ़िया ऐप है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आज हम वर्क बेंच का यूज़ करेंगे। दोनों में डिफरेंस यही रहता है, ये आपकी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है और ये आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच में वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका MySQL Workbench 8.0 CE Community Edition। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। ये हमारे पास Workbench ओपन हो गया है। ये अभी शो कर रहा है कनेक्शंस को। हम चाहें तो यहाँ प्लस से नया कनेक्शन भी बना सकते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कनेक्शन अवेलेबल है हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे पहले, लोकल इंस्टेंस MySQL 80। यहाँ हमें वही पासवर्ड डालना पड़ेगा जो हमने इंस्टॉल करते वक्त यूज किया था। यह हमारे पास वर्कबेंच ओपन हो गया है। यहाँ हम कमांड्स देते हैं। शो डाटाबेसेस, तो ये डाटाबेस का रिजल्ट हमारे सामने है। तो यहाँ पे हम अपने ही कोई डाटाबेस यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड रहेगी क्रिएट डाटाबेस, और इसके बाद लिखा जाएगा नेम ऑफ द डाटाबेस। सपोज मैं स्कूल नाम से कोई डाटाबेस क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहां दे दूंगा कमांड क्रिएट डाटाबेस स्कूल सेमीकोलन। और अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल एंटर। ये मैंने रन किया, डाटाबेस जो है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम वापस इस पे कमांड अप्लाई करेंगे शो डाटाबेसेस। तो मैं यहाँ ऊपर क्लिक कर देता हूँ और वापस कंट्रोल एंटर। तो ये अब यहाँ हम देख पा रहे हैं स्कूल नाम की डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो पहला काम यही था, हम अपनी एक डाटाबेस क्रिएट कर लें ताकि जो भी आगे हम टेबल क्रिएट करें वो उस पर्टिकुलर डाटाबेस में हम यूज कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास एक कमांड रहती है यूज, और यहाँ लिखा जाता है नेम ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम पहुंच जाएंगे स्कूल नाम की डाटाबेस में। तो यहाँ कंट्रोल एंटर, वन रो इफेक्टिव, नाउ वी आर इन स्कूल डाटाबेस। इसके बाद हम चेक करते हैं क्या इसमें कोई टेबल है या नहीं है। टेबल्स अगर आपको देखनी है तो कमांड रहती है शो टेबल्स। तो डाटाबेस स्कूल टेबल डाटाबेस में जो टेबल्स हैं उनको ये शो करता है, टेबल्स इन स्कूल नथिंग, कोई भी टेबल यहाँ नहीं है। तो इस तरह से अभी हमने कमांड सप्लाई की शो डाटाबेसेस, क्रिएट डाटाबेस, यूज स्कूल, शो टेबल्स। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब हम कमांड अप्लाई करेंगे क्रिएट टेबल्स। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए कमांड रहती है क्रिएट टेबल, इसके बाद हम नेम लिखते हैं टेबल का। जैसे मैं स्टूडेंट नाम से कोई टेबल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने स्टूडेंट नेम मैंने यह डाल दिया है, और इसमें पहला कॉलम मैं रखना चाहता हूँ रोल नंबर, और इसका जो डाटा टाइप रहेगा वो रहेगा डेसिमल,
हम चाहें तो इंट भी यहाँ ले सकते हैं, और ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे फोर, फोर डिजिट्स में हम कोई रोल नंबर रखेंगे, और कॉलम के साथ हम अपने कोई कांस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है रूल्स फॉलोड बाय टेबल और कॉलम। जैसे इसके साथ अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की से क्या होगा, हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं आर एन नो कॉलम विल बी ए प्राइमरी की। तो फर्स्ट कॉलम की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आप कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट कॉलम पे हम चलते हैं, नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा एस नेम, और इसका जो डाटा टाइप रहेगा वो हम रखेंगे वेयर कैर, और 20 कैरेक्टर्स में हम नेम यहाँ रखना चाहेंगे हम, और इसमें कांस्टेंट जो अप्लाई कर सकते हैं वो जैसे नॉट नल। नॉट नल इंश्योर करेगा कि ये जो कॉलम है वो कभी खाली ना रहे। एक कॉलम की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई, कॉमा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ रखेंगे एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर, और इसको भी हम रखेंगे डेक फोर, डेसिमल फोर, फोर डिजिट में हम डेसिमल फाइव ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये फाइव लिया मैंने, और एडमिशन नंबर के साथ हम कांस्टेंट यहाँ अप्लाई करते हैं जैसे यूनिक। यूनिक से क्या होगा, ये हमेशा जो एडमिशन नंबर है वो यूनिक ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करते वक्त अगर आप कांस्टेंट को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। आप बिना कांस्टेंट के भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से प्राइमरी की हटा दें, नॉट नल हटा दें, यूनिक हटा दें, तो वो काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा सब्जेक्ट, यहाँ मैं ले लेता हूँ सब्जेक्ट, और इसका जो डाटा टाइप रहेगा वेयर केयर, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, कॉमा आएगा इसके बाद, और फिर हम लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, और ये रहेगा डेसिमल, और ये थ्री डिजिट्स में, जैसे 100 टोटल मार्क्स बनते हैं। यहाँ भी एक का हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, कांस्टेंट रहेगा हमारा डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे रहे हैं 100, मीन्स जब हम कोई भी वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ तो वो 100 ले लेगा। तो ये 100 हो गया। नेक्स्ट कॉलम एमओ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉमा, और फिर यहाँ एक कांस्टेंट और हम यूज करेंगे चेक। चेक के जरिए हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एमओ है, एमओ है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू हो एमएम के। तो इसके जरिए हम इंश्योर करेंगे कि जो मार्क्स ऑब्टेन है वो कभी मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से ये एक कांस्टेंट हमने अप्लाई कर दिया, सभी कॉलम्स हमारे आ चुके हैं, और यहाँ पे लास्ट में हम एक ब्रैकेट और लगा देंगे, और ये सेमी कॉलम। इस तरह से ये हमारा एक, यहाँ इसको इसको अभी देखो, ये था हमारे पास टेबल, क्रिएट टेबल। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्रिएट टेबल, देन नेम ऑफ द टेबल, फिर फर्स्ट कॉलम हमने रखा आर एन ओ, फिर उसका टाइप, फिर कांस्टेंट, फिर कॉमा आ गया, फिर एस नेम, डाटा टाइप, कांस्टेंट, कॉमा, एडमिशन, एडमिशन नंबर, देन
डेसिमल फाइव, फिर यूनिक कांस्टेंट हमने लगाया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मैक्सिमम मार्क्स आ गए, फिर मैक्सिम मार्क्स ऑब्टेन आ गए हमारे पास, और फिर ये इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब इसको हम रन करते हैं। ये मैंने रन किया तो ये टेबल जो है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है, ये हमारी पास कमांड थी। और अब इसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, हम कमांड अप्लाई करते हैं शो टेबल, शो टेबल्स। अब चेक करते हैं, इस पे कर्सर ला के और आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम की टेबल एक आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल हमारे पास शो कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्राइब इसका यूज कर सकते हो, आप डिस्क्राइब देन नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम यहाँ हमने रखा है स्टूडेंट, और ये इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगा, ये टेबल हमारे पास आ गई। ठीक है, सिक्स कॉलम्स हैं इसमें, ये इसके डाटा टाइप्स हैं, ये नल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इनमें से कौन कौन नल है या नहीं है। जैसे फर्स्ट टू जो कॉलम है वो हमारे नल नहीं हो सकते, प्राइमरी की में तो ऑटोमेटिकली नल नहीं होता, और यहाँ पे हमने स्पेशली मेंशन किया है नॉट नल, तो ये की को इंडिकेट कर रहा है, ये प्राइमरी की को इंडिकेट कर रहा है, और ये यूनिक इसको इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हम करेंगे अभी अल्टर टेबल, जैसे इसी में मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे मैं इसमें फादर नेम इसमें डालना भूल गया, तो अब हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट कमांड अभी हम यहाँ करेंगे अल्टर टेबल, फिर किस टेबल में चेंज करना है स्टूडेंट, और क्या करना है ऐड, और ऐड में क्या ऐड करना चाहते हैं, फादर नेम ऐड करना चाहते हैं, फादर नेम का डाटा टाइप क्या रहेगा वेयर केयर, कितने कैरेक्टर में 20 में, और ये जो कॉलम है वो किसके बाद ऐड हो तो ये आ जाएगा आफ्टर एस नेम, एस नेम के बाद ये ऐड हो जाए, ये लगाया सेमी कॉलन, और अब हम कमांड अप्लाई कर देंगे कंट्रोल एंटर, तो ये चेंज इसमें हो गया। इसको चेक करना है वापस तो हम क्या करेंगे, कमांड यहाँ अप्लाई कर देंगे शो टेबल, शो टेबल पे कर्सर लाए और कंट्रोल एंटर, ये अब सॉरी डिस्क्रिप्शन हम चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया। डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे हैं एफ नेम यहाँ आ चुका है। ठीक है, एस नेम के बाद एफ नेम आ चुका है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारी रीनेम टेबल। अगर हम अपनी टेबल को रीनेम करना चाहते हैं तो हम कमांड अप्लाई करेंगे रीनेम टेबल, जिसे स्टूडेंट को चेंज करना है स्टूडेंट टू, जो नया नाम हम रखना चाहते हैं न्यू स्टू, ये मैंने एक नया नाम दे दिया सेमी कोलन, और अब हम रन करेंगे कंट्रोल एंटर, इसके बाद ये रीनेम हो गया है। अब हम अपनी टेबल्स को शो देख सकते हैं, टेबल्स यहाँ शो टेबल, और कंट्रोल कहीं भी आप क्लिक करके कंट्रोल एंटर दबा दो, अब देखो जो टेबल का नाम है वो चेंज हो चुका है न्यू स्टू। वापिस हम अपनी टेबल को रीनेम कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ कर देंगे न्यू स्टू टू
स्टूडेंट, तो इससे वापस रिनेम हो जाएगा, कंट्रोल एंटर। इस टेबल का वर्क अगर हमारा हो चुका है तो फिर हम इस टेबल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड रहेगी ड्रॉप टेबल, देन एंटर नेम ऑफ द टेबल। तो इससे ये जो टेबल है वो हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अब हम कमांड अप्लाई करेंगे शो टेबल। अब देखिए इसमें कोई भी टेबल नहीं है। दिस वे वी कैन डिलीट द टेबल। एक डाटाबेस ये पहले हमने क्रिएट की थी तो उसको मैं ड्रॉप करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए जैसे हमारा वर्क हो चुका है, अभी हमें इस डाटाबेस की आगे ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कमांड देंगे ड्रॉप डाटाबेस देन नेम ऑफ द डाटाबेस। ये कमांड क्या करेगी, ये इस डाटाबेस को यहां से रिमूव कर देगी। हम चेक करते हैं, कंट्रोल एंटर, डाटाबेस हमारी डिलीट हो चुकी है। वापस चेक करते हैं कमांड क्या रहेगी, शो डाटाबेस। तो यहां मैंने ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल एंटर, ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी स्कूल नाम की कोई डाटाबेस यहाँ नहीं है। तो इस तरह से हम ड्रॉप कर सकते हैं किसी डाटाबेस को। तो ये कमांड्स हमने कुछ पढ़ी, ये सभी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती हैं। होप यू एंजॉय द सेशन, बाय फॉर नाउ।